आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही कम तेल मसालों में नेनुआ की सब्जी। नेनुआ हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें भरपूर मात्रा में पानी पाया जाता है, साथ ही विटामिन ए, विटामिन सी जैसे बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही कम मसालों में नेनुआ की सब्जी। तो इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे ली हूँ 500 ग्राम नेनुआ। नेनुआ खरीदते समय एक बात का ध्यान दें कि बहुत मोटा या बहुत बड़ा साइज का नेनुआ नहीं लें, नहीं तो अंदर से वो सख्त रहेंगे। इस तरह से छोटा साइज का लें वो ठीक रहेगा। इसको सबसे पहले हम लोग छिलका निकालेंगे, तो छिलका आप अपने हिसाब से निकालें। मैं यहाँ पे इसी तरह से चाकू से स्क्रैच करके इसका बस पतला सा एक छिलका निकाल रही हूँ। आप जिस तरह से छिलका निकालते हैं उसी तरह से छिलका को निकाल के इसी तरह से उसका एजेस को कट करके इसको हम लोग पीसेस में कट कर लेंगे। तो ये देखिए मैं एक छिलका को इस तरह से निकाल ली हूँ। इसी तरह से बाकी का नेनुआ का छिलका को निकाल के इसको पीसेस में कट कर लेंगे। छिलका को निकाल लेने के बाद इस तरह से मैं पीसेस में कट कर ली हूँ। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में। तो मैं यहाँ पे ली हूँ 2 प्याज को इस तरह से स्लाइसेस में कट करके, साथ ही मैं यहाँ ली हूँ 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 हरी मिर्च जिसको मैंने बारीक काट लिया है। अब चलते हैं इसे पकाने के प्रोसेस में। तो इसके लिए मैं एक कढ़ाई को गर्म की हूँ। कढ़ाई में डाल देंगे 1 से 2 चम्मच तेल। तेल का इस्तेमाल मैं यहाँ पर बहुत कम कर रही हूँ। तेल के गर्म होते ही इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जीरा और जीरा को थोड़ा देर के लिए चटकने देंगे। जैसे ही जीरा थोड़ा सा पक जाएगा, चटकने लगेगा, तब हम लोग इसमें डाल देंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। हरी मिर्च डालने के बाद थोड़ा सा हरी मिर्च को पका लेंगे। जैसे ही थोड़ा सा हरी मिर्च पक जाए तब हम लोग इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज का इस्तेमाल इस सब्जी में थोड़ा सा ज़्यादा होता है क्योंकि हम लोग इसमें मसालों का इस्तेमाल बहुत कम करेंगे। तो इस तरह से प्याज को थोड़ा देर के लिए पका लेंगे ताकि प्याज सॉफ्ट हो जाए और भून जाए। प्याज थोड़ा सा जल्दी पक जाए इसके लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच नमक, और नमक को डाल के प्याज में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करते हुए इसको पका लेंगे। प्याज को हमें तब तक पकाना है जब तक कि उसका कलर चेंज ना हो जाए और सॉफ्ट ना हो जाए। तो ये देखिए प्याज हल्का सा पक गया है, उसका कलर चेंज हो गया है। अब हम लोग इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मैं यहाँ पे अदरक लहसुन को पेस्ट को डाल के अच्छे से इसको मिला के भून ले रही हूँ। अदरक लहसुन को कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक पका लेंगे ताकि उसका कच्चा टेस्ट निकल जाए। जैसे ही अदरक लहसुन थोड़ा सा पक जाएगा तब हम लोग इसमें डाल देंगे उबला हुआ चना। तो मैं यहाँ पे 1/2 कप चना ली हूँ जिसको मैंने उबाल के ले लिया है। चना डालने से नेनुआ की सब्जी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। चना को मैंने उबाल के ले लिया है, लेकिन फिर भी मैं प्याज के साथ थोड़ा देर के लिए उसको भून ले रही हूँ। प्याज के साथ थोड़ा सा भून लेने के बाद इसमें हम लोग डाल देंगे मसाले। तो मसालों में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम जीरा पाउडर, थोड़ा सा इसमें डाल देंगे गरम मसाला का पाउडर। कलर के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, ये इसमें ऑप्शनल है। मसालों को थोड़ा देर के लिए हम लोग प्याज के साथ भून लेंगे। जैसे ही मसाला अच्छा से भून जाएगा, थोड़ा सा इसमें से अच्छी खुशबू आने लगेगी, तब हम लोग इसमें डाल देंगे नेनुआ जो हमने काट के रखा था। इस सब्जी में टमाटर का इस्तेमाल मैं नहीं कर रही हूँ। आप चाहे तो टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर टमाटर डाल रहे हैं तो इस समय पर 1 टमाटर को काट के इसको पका के उसके बाद आप नेनुआ को डालें। तो इस तरह से नेनुआ को डालने के बाद इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से नमक का इस्तेमाल हिसाब से करें क्योंकि हमने प्याज में भी नमक डाला था। तो नमक डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करके इसको कवर करेंगे और कवर करके धीमी आंच पे 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे। 10-12 मिनट बाद पैन का ढक्कन हटाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए पहले से नेनुआ हम लोग का बहुत सॉफ्ट हो गया है, लेकिन पूरी तरह से पका नहीं है, इसलिए इसको अच्छे से मिक्स करके उसको दोबारा कवर करेंगे और कवर करके 8 से 10 मिनट फिर से पकाएंगे। 8-10 मिनट बाद पैन का ढक्कन हटाएंगे और ये आप देख सकते हैं नेनुआ हम लोग का अच्छे से पक गया है। इस सब्जी में पानी का इस्तेमाल नहीं होता है, नेनुआ का जो अपना पानी है उसी से यह सब्जी बहुत अच्छे से पक जाती है। तो सब्जी हम लोग का तैयार है, अब हम लोग सर्व करेंगे। तो सर्व करने के लिए मैं यहाँ पे एक सर्विंग प्लेट ले ली हूँ, इसमें इस तरह से निकाल लेंगे। आप इस रेसिपी को रोटी, राइस किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं, ये सबके साथ बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरह से आप एक बार नेनुआ को बना के देखें, ये आपको बहुत पसंद आएगी। और सब्जी ट्राई करने के बाद पसंद आए तो इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।